मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड प्रसारित किया। प्रदेश के हर जिले में पीएम के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक के कोप्पल में, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने श्रावस्ती में और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में पीएम के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा। तो उत्तर प्रदेश के इन बड़े नेताओं ने लाइव प्रसारण देखा प्रधानमंत्री के मन की बात का। और तो इस दौरान मन की बात का 100वां एपिसोड था, 100 एपिसोड होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आज मोदी जी ने पूरे भारत का दृश्य उपस्थित किया। कभी जगत गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारत को जोड़ने के लिए 4 स्थान चुने थे, बद्री जगन द्वारिका, बद्रीनाथ जगन्नाथ द्वारिका और रामेश्वरम। आज मोदी जी जब मन की बात कर रहे थे तो संपूर्ण भारत को अपने सामने रखे हुए थे। जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं, कोई प्रदेश छोड़ा नहीं, तमिलनाडु है तो जम्मू है, माने हर जगह से एक एक पात्रों को चुना है संपूर्ण भारत का। शैलेंद्र जी, मन की बात का 100वां एपिसोड कैसे देखते हैं? हम मन की बात का 100वां एपिसोड देखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी देश में ऐसे नागरिकों को ढूंढ के लाते हैं जो उनके काम बोलते हैं। जैसे अभी आपने देखा, एक हिमाचल पे स्वच्छता का लेके उन्होंने कैसे अभियान चला रहे हैं, उस टीम को लेके प्रसिद्ध मतलब बात किया कि देश में एक मैसेज जाए स्वच्छता का, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा रहा है कि स्वच्छता कैसे की जाए। प्रधानमंत्री जी, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि 100वां एपिसोड है उनका, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरे, उनकी बातों से, उनके कथन से, उनके करने से काफ़ी मन में एक मतलब मोटिवेशन पैदा होता है कि देश के लिए, सर्वप्रथम हमारे लिए देश है। कि ये बीजेपी के लीडर हैं और ये सब लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री के मन की बात का जो 100वां एपिसोड था उस उपलक्ष्य में जो है तमाम जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जहाँ लोग बैठकर उसको सुन रहे थे। और जाहिर सी बात है, सबका यही कहना है कि प्रधानमंत्री के मन की बात जो है वो आम आदमी के मन की बात है, क्योंकि आम आदमी के मुद्दों की बात प्रधानमंत्री करते हैं। यानी हर वह मुद्दा जो आम आदमी से जुड़ा है, जमीन से, लोगों से जुड़ा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में उसका जिक्र करते हैं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज़, लखनऊ।